बताशे खाए बताशे अच्छा बताशे खाती नहीं खोलो सिमसी कहाँ होगा मेरे पास अच्छा कोल्डिंग पैन 25 का 25 का जी मंगा लेंगे एक एक मंगा लो वो कौन सी थम्स अप मुझे स्प्राइट एक थम्स अप एक स्प्राइट हम लोग सुबह से कहीं बाहर नहीं जाते निकलने जैसे जैसे शाम होता है वैसे वैसे हम लोग का प्लान बन जाता है वैसे वैसे हम लोग का प्लान बनते हैं और हम लोग एक ही बार 7 बजे के पास निकलते हैं आज 6 बजे निकलते और हम लोग जा कहीं और रहे थे आ कहीं और गए गए घूमने के लिए बस ऐसे वॉक के लिए गए थे इस वजह से लोग कुछ खा लेते तो आ गए यहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट खुला है महालक्ष्मी अच्छा है अंदर से काफी गोल गोल और लोगों ने मसाला डोसा और पाव भाजी थम्स अप ऑर्डर उसमें तुम ऑर्डर देने बताना है काफी अच्छा लग रहा है पैसे खर्च कर रहा है कुछ पैक करो ये दही बड़ा मन मैं कितनी क्यूट आ रही हूँ तनिषा को दिखाना है तनिषा अगर तुम देख रही हो तो देख के चलना ठीक है मिस यू आई एम नॉट मिस यू हम लोग रास्ते भर तनिषा की बात करते जाए क्योंकि वो हम लोग उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो फोटो भी बहुत सारे लिए लगाएंगे लाइक तनिषा रिप्लाई करें क्या करेंगे उसके प्लान तो अलग है वो मूवी देखने गई है हमें कुछ नहीं पता ये तो को बताया ये तो अंजलि बताई है वो भी उसकी स्टोरी देख के अच्छा इंडिया पाकिस्तान के जब मैच आता है ना तो मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तानी का ये अधिकार है वो मैच को देखना उसको फॉलो नहीं कर सकते मैंने देखा मैंने दोनों मैच देखे मुझे बहुत अच्छा लगा था सेकेंड टाइम पे ना नहीं फर्स्ट वाले में तो इंडिया जीती थी लेकिन मुझे पता है जब भी मैच होता है मैं सोचती हूँ पहले बैटिंग पाकिस्तानी करे मतलब जो भी हमारे अपोजिट टीम है वो करे उसके बाद से हम लोगों की बैटिंग तो इतना पता रहता है ना टोटल कितना स्कोर बना मैं आई करो घुमाओ आ गई लेकिन पाकिस्तान के कैप्टन अच्छा है ये क्या है पाकिस्तान तो और पाकिस्तान के पहला वाला से ज़्यादा अच्छा है ये तोबा ये मंगाई थी मैंने मंगाया था स्प्राइट भी स्प्राइट सबसे ज़्यादा पसंद है और मिला दोनों लोगों को स्प्राइट तनिषा का नाखून इतना बड़ा बड़ा है ना कि खोल ही नहीं पाती है थोड़ा तनिषा हो यार जो हमारा डोसा एंड पाव भाजी आ चुकी है चलो टूट पड़ते हैं अगर पानी नहीं पियेंगे तो सबका सब ऐसा कुछ अच्छा रात में नहीं तो उसके अच्छा लगता है ना रात में बहुत अच्छा लगता है लाइट लगी रहती है मजा आता है ठंडा हो गया हाँ तुम्हें सांबर ठंडा है अच्छे से नींबू डालो नींबू डालो डालो इसमें डाल खाया जाता है हम पहली बार खा रहे हैं सगळं खाऊ तो पेट भर जायला नाही खाणार घर कैसा लग रहा है पता है घर
मुझे इतना पसंद नहीं है। इडली डोसा ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। ये पता है क्यों सही लगता है? थोड़ा सादा सादा होता है तो सही रहता है, और खाने से अच्छा लगता है। खाने के आखिरी टाइम पे माँ बकवास चीज होती है, मेरे खाना गिर गया है आखिरी कौर पे जाके नीचे गिर गया, गंदा लग रहा है। इसको देखो ये कितनी, इसका भी गिरा है कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पता नहीं ये कितने गंदे तरीके से खाती है। चले निकालो। हाँ अरे बाल रे, इतना क्या हुआ? ये इतना सारा तुम अपने लिए भी लो यार, ये देखो ये कितना दिए से लग रहा है, इसी घर का है। अपने घर का होता तो नहीं देती इतना सारा खा लो। वो मुझे नहीं खाना चाहिए था। नंबर दो पिस्ता। तो अभी घर आ गए और आज की छोटी सी ब्लॉग के लिए छोटी सी वीडियो, छोटा सा ब्लॉग सॉरी। बाय बाय, गुड नाइट, सुबह खैर। जैसे आँखों की डिबियां में निंदियां पर निंदियां में मीठा सा सहतो छिल मिल किसी लौ से उगे हैं, ये तो अंबिया की खुशबू है बागों से बह चले। जैसे कांच में छुड़ी